हेलो एवरीवन, आपका सुस्वागत है। मैं दिल से स्वागत एंकर यश मैं करता हूं ओनली ऑन टाली चैट के ऊपर। दोस्तों, आज की जो कहानी है, बनू मैं तेरी दुल्हन से लेकर यार टीवी इंडस्ट्री के ऊपर अपना नाम जमाने वाले दिव्यंका त्रिपाठी की, जहां पर उन्होंने प्यार में धोखा खाया एंड इवन कास्टिंग काउच का भी सामना किया, क्या क्या बातें रिवील करने वाला हूं मैं बताता हूं आपको। लेकिन उससे पहले जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर और करिए फटाफट टैप ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ इफ यू हैव नॉट डन येट गाइस। तो चलो आपको मैं बताता हूँ दिव्यंका त्रिपाठी की क्या कहानी है। अभी तो आप सभी लोगों को पता है कि शी इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्ट्रेस इन द टीवी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी जो करियर की शुरुआत हुई थी वो एक सीरियल से हुई जिसका नाम है बनू मैं तेरी दुल्हन। दोस्तों, अपनी जो इनिशियल लाइफ थी वहां पर उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन अपनी मेहनत से उनको एक काम मिला और इसी पर्टिकुलर शो के अंदर उनके जो को एक्टर थे उनका नाम है नॉन अदर देन बट शरद मल्होत्रा, और वो दोनों एक साथ काम करते रहे। काम के साथ साथ उन्होंने एक साथ डेटिंग करना शुरू किया और 8 साल तक डेट करते रहे। लेटर ऑन आफ्टर द 8 ईयर ऑफ लव स्टोरी समथिंग हैड हैपेंड, पता नहीं है वो, और उसकी बदौलत उन्होंने फिलहाल ब्रेकअप कर दिया है अपने रिश्ते से और 2016 के अंदर उन्होंने विवेक दहिया से शादी कर ली थी। दोस्तों, वो भी एक एक्टर है। आपको बता दें कि जब इनकी लाइफ की शुरुआत हुई थी, जब इन्होंने ये पर्टिकुलर बनू मैं तेरी दुल्हन नाम का जो शो है वो खत्म किया था, उसके बाद वाला जो पीरियड था वो एक ऐसा पीरियड था जहां पर उन्हें काम नहीं मिल रहा था। और तभी एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि जब ऐसा आपके साथ होता है तब बहुत लोग आपका फायदा उठाने के लिए आ जाते हैं, और एक इंसान ने तब ऐसा बोला था कि आप एक काम करिए, आपको इस डायरेक्टर के साथ रहना है, वो आपको पक्का जो है एक मस्त अच्छा वाला जो है ब्रेक थ्रू दिलाएंगे। लेकिन शी वॉज लाइक, मैं ही क्यों? तब उस इंसान ने बताया कि आप बहुत टैलेंटेड हो, सब लोग ऐसा करते हैं। देन शी वॉज लाइक, मैं ये नहीं करने वाली, मुझे अपने टैलेंट के ऊपर भरोसा है और उसी से मैं आगे आऊंगी, मैं कोई भी गलत रास्ता नहीं चुनने वाली। और दैट थिंग हैज कम रियली ट्रू। दोस्तों, आपको बता दें कि इन्होंने करीबन एक फिल्म जिसका नाम है लाला हरदौल, उस जो 2012 में रिलीज हुई थी, उसके अंदर अपना फिल्म डेब्यू भी किया था। एंड लेटर ऑन अभी तो ये जो महिला है, ये जो एक्ट्रेस है, ये टीवी की भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्ट्रेस भी है। दोस्तों, तो सब कुछ उन्होंने हासिल किया अपनी मेहनत से ही। तो ये थी कहानी दिव्यंका त्रिपाठी की। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, लाइक जरूर, नहीं पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बी ऑन टाली चैट।